तो यहाँ पे बटन ऑन करने से लाइट जलेगा, और ऑफ करके फिर जब मैं ऑन करूँगा तब एक कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जितने बार मैं ऑफ करके ऑन करूँगा उतने बार उतना कलर चेंज होगा, और ये रिमोट से भी होगा। ओके, सो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब फ्रेंड्स, मैं हूँ लुब्धक, और लुब्धक वर्कशॉप में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, इसमें मैं एक 7-in-1 LED बल्ब का सर्किट बनाऊंगा जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होगा, ठीक है। तो इस जो सर्किट है, इसका मैं एक ऑल्टरनेटिव सर्किट पिछला वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। तो पिछला जो वीडियो है उस वो पार्ट 1 का वीडियो था, आज का जो वीडियो है पार्ट 2 का वीडियो है, ठीक है। तो पिछला वीडियो में मैं इसका सर्किट बनाया था, वो भी सेम इसी के ये वाला सर्किट के तरह ही काम करता है, ठीक है। तो ये वाला सर्किट आप पहली वाला जो वीडियो है पार्ट 1 का वीडियो, वो पहले आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन में लिंक दे दूंगा, और एंड स्क्रीन में तो रहेगा ही, ठीक है। तो वो वाला वीडियो पहले जाके आप देख लीजिए, ठीक है। तो पार्ट 1 का वीडियो पहले जाके आप देख लीजिए, नहीं तो आज का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसी सर्किट में मैं रिमोट कंट्रोल बना के दिखाने वाला हूँ, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, नहीं तो समझ में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये वाला जो सर्किट है, ठीक है, इसका जो LED है इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मैं जो सर्किट बनाया हूँ, यानी कि ये वाला सर्किट, इसका जो LED है इसका वोल्टेज 3 वोल्ट का है, और इसलिए इसका जो रोशनी है वो थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो मैं इसको मेजर करके भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इसका जो लाइट्स है उसको मैं मेजर करके अभी दिखा भी दूंगा आपको कि इसका वाटेज कितना है, ठीक है, वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो इसका ये जो साइड वाला LED है ये ब्लू कलर का होता है, ये वाला ग्रीन कलर का होता है, और ये रेड होता है, ठीक है। तो इसको मैं मेजर करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो मशीन है ये होता है LED टेस्टर मशीन, ठीक है। तो जो लोग LED TV वगैरह रिपेयर करते हैं उनके पास ये मशीन होगा, और जो लोग LED बल्ब वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं उनके पास भी ये मशीन होता है, ठीक है। वैसे जो लोग रिपेयर करते हैं उनके पास होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके पास अगर ना हो तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं मेजर करके दिखा देता हूँ, ठीक है, देखिए। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो है ये है वोल्टेज, और ये वाला है करंट, ठीक है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, पहले तो इसका मैं वोल्टेज मेजर करूँगा। ये ब्लू का है, ब्लू LED आप देख सकते हो, ये 18 वोल्ट का है। एक ग्रीन LED जो है ये 19 वोल्ट का दिखा रहा है, ठीक है, और ये रेड है। तो रेड LED यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी 18 वोल्ट का दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो LED है ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज का है, इसके लिए इसका रोशनी भी ज़्यादा आएगा। लेकिन अपना जो सर्किट है इसमें मैं जो LED स्ट्रिप यूज़ कर मैं जो LED यूज़ किया हूँ ये 3 वोल्ट का है, ठीक है। तो इसका भी मैं मेजर करके थोड़ा दिखा भी दूंगा आपको। तो ये जो रेड LED है इसका वोल्टेज, यहाँ पे रेड LED का जो वोल्टेज है वो है 1.9, ठीक है। यहाँ पर ब्लू LED का वोल्टेज है 2.8, और ग्रीन LED का वोल्टेज है 2.78, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल ही गया है कि ये जो LED है ये कम वोल्टेज का है, तो इसका रोशनी भी कम आएगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 12 वोल्ट RGB LED का जो स्ट्रिप आता है
वो ख़रीद लीजिए। मार्केट में आप जाके अगर 50-50 का स्ट्रिप आप बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। स्किन के ऊपर अभी मैं जो इमेज दिखा रहा हूँ यहाँ इस प्रकार का होगा, ठीक है। यानी आप ये वाला सर्किट में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ऑनलाइन से अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके ख़रीद सकते हो, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ, 12 वोल्ट का अगर आप स्ट्रिप यूज़ करोगे तो यहाँ पे ये जो 150 ओम का जो रेजिस्टेंट मैं यूज़ किया था आउटपुट में, यानी ये जो LED है इसमें, क्योंकि ये तो 5 का मैं इनपुट दिया था, तो 150 का यहाँ पे रेजिस्टेंट मैं यूज़ किया था। तो 12 वोल्ट का अगर आप इनपुट दोगे और 12 वोल्ट का LED आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसको आप हटा दीजिएगा और यहाँ पे आप 12 वोल्ट का एडाप्टर यूज़ कर सकते हो इनपुट सेक्शन में, और चाहो तो आप वहाँ पे PF का सप्लाई भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा पास कर दूँगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज भी करूँगा। तो मैं चेंज करने के बाद मैं सर्किट भी आपको दिखा दूँगा। और यहाँ पे पहले मैं एक काम करूँगा कि ये जो सर्किट है इसको मैं यहाँ से काट लूँगा, ठीक है, बोर्ड से काट लूँगा। तो यहाँ पे मैं सर्किट को काट लिया हूँ। यहाँ पे बल्ब के अंदर इसका डाल के मैं देख ले रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स मैं लगाया हूँ जिसका प्लेस मैं चेंज किया हूँ, जैसे कि ये 10K का रेजिस्टेंट इस तरफ था और ये जो है 104 का PF, और यहाँ पर एक मैं ट्रांजिस्टर लगाया हूँ, तो ये एक PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये वाला। तो मैं जब सर्किट दूंगा उस टाइम आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है, किस तरह से इसको मैं बनाया हूँ। अभी और कुछ चीज़ चाहिए यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक 5 वोल्ट का SMPS सर्किट चाहिए। तो यहाँ पे आप मोबाइल चार्जिंग जो सर्किट आता है 40-50 रुपए में मिलता है मार्केट में, तो वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं ये वाला यहाँ पे यूज़ करूँगा सप्लाई के लिए 5 वोल्ट का। तो इसको लगाना इजी है, बहुत छोटा सा सर्किट होता है, लेकिन इसका प्राइस ज़्यादा होता है, ठीक है, 80-90-100 में भी आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से 5 वोल्ट का सप्लाई आएगा, उसको हम ड्राइवर सर्किट में डालेंगे, ठीक है। अभी और भी कुछ काम है यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये सर्किट मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे मतलब वायर लगा है, बड़ा बड़ा वायर। तो इसका एक ही रीज़न है कि मैं ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ सर्किट जब मैं ड्रॉ किया उसके बाद, तो इसीलिए। लेकिन सेकंड टाइम जब मैं बनाऊँगा तब वायर छोटा लगाऊँगा। आप लोग ध्यान से अगर करोगे तो छोटा वायर से ये काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 5 वोल्ट सप्लाई मैं दूंगा SMPS से, और ये है अपना LED जो सर्किट है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, पॉजिटिव जो है उसको आप पॉजिटिव को सेम रखना है, और जो ग्राउंड है 3 ग्राउंड उसको आप इधर उधर भी लगाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कलर तो चेंज ही करना है, बाकी और तो कुछ नहीं। तो इसका कनेक्शन यहाँ पे करना है। और एक चीज़ है यहाँ पे मैं बता दूँ, बल्ब के ऊपर वाला जो ये चीज़ है इसके ऊपर से आपको LED स्ट्रिप को लेके जाना है, और ये वायर नीचे से लेके ड्राइवर में लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये सर्किट में सोल्डरिंग में मैं काट दूँगा वीडियो से। उसके बाद इसमें 5 वोल्ट का ये एक कनेक्शन है, ठीक है, और ये वाला जो लाल वायर है इसको ये वाइट वायर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये 3 कनेक्शन यहाँ पे है, और एक छोटा सा कनेक्शन है वो है T-SOP का। तो ये T-SOP का कनेक्शन मैं करूँगा, एक ही T-SOP था मेरे पास। और ये जो सर्किट आप देख रहे हो ये बिना IC वाला रिमोट कंट्रोल सर्किट है, जिससे आप फैन लाइट सब कुछ आप चला सकते हो।
तो इसका वीडियो आई बटन में मैं छोड़ दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ए वाला टी शर्ट यहाँ से मैं खोल के इसको ही मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि एक ही पीस था मेरे पास। तो इसको हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, ऊपर से मतलब टी शर्ट को मैं ऊपर से इसके यहाँ से ही इसको डालूँगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इसको डालूँगा, डालकर फिर अपना जो ड्राइवर सर्किट है उसमें लगा दूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक छोटा सा होल कर लिया था टी शर्ट को लगाने के लिए, जगह कम पड़ रहा था इसीलिए। तो यहाँ पे मैं पूरा कनेक्शन कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब 5 वोल्ट का SMPS यहाँ पे है, ठीक है। और अभी सिर्फ एक ही चीज़ करना है, जो लाल वायर है इसको ये सफ़ेद वायर के साथ इसको कनेक्ट करके बल्ब को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये मैं कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं टोटल कनेक्शन सब कर लिया हूँ, यहाँ पर मैं ग्लू लगा दिया हूँ, हॉट ग्लू, और इसको बना लिया हूँ। अभी सिर्फ जो डिफ्यूज़र है उसको मैं इसके ऊपर डालूँगा तो ये बल्ब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डिफ्यूज़र को भी इसके ऊपर डाल देता हूँ अभी, तो ये बल्ब कंप्लीट हो चुका है अभी। तो यहाँ पे मैं सर्किट को दिखा दे रहा हूँ, देखिए 4017 जो IC है उसका 14 नंबर जो पिन है उसमें ही हमें चेंज करना है, बाकी सर्किट में कहीं पर भी कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे 14 नंबर पिन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुश बटन था जिसमें हमको कुछ चेंज करना है। ये पार्ट 1 का वीडियो में मैं इसके ऊपर भी बात किया था। यहाँ पे पुश बटन को ही हमको चेंज करना है। यहाँ पे देखिए 104 का PF, और ये सर्किट में इसको मैं रखा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 10K का जो रेजिस्टेंट है वो भी यहाँ पर है। यहाँ पे इसको ग्राउंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे 13 नंबर जो पिन है मतलब IC का जो 13 नंबर पिन है वो ग्राउंड होगा, तो उसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ ही, तो यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है वो है यहाँ पे अपना वोल्टेज देना है पॉजिटिव वोल्ट, तो यहाँ पे 12 वोल्ट, 2 5 वोल्ट, 2 कुछ भी आप दे सकते हो। और यहाँ पर IC का जो 16 नंबर पिन होता है उसमें हमें पॉजिटिव देना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या किया हूँ, इस दोनों को पिन को मैं शॉर्ट करके पॉजिटिव दे दिया हूँ, ठीक है। अभी पार्ट 2 का वीडियो जो है ये वाला है, तो मैं यहाँ पे पार्ट 2 लिख रहा हूँ, देखिए पार्ट 2, ठीक है। तो कनेक्शन पूरा सेम है, 14 नंबर पिन से ही हमें चीज़ को सभी करना है, ठीक है। जितने भी कनेक्शन हैं आप देख सकते हो पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ पे 16 नंबर भी मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर 104 भी है, यहाँ पर 10K भी है यहाँ पर, ठीक है। और 13 नंबर जो है 13 नंबर में ग्राउंड देना है, तो इसको भी यहाँ पे मैं जोड़ूँगा ग्राउंड के साथ। तो इसको मैं जोड़ के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ अभी, देखिए ये मैं जोड़ दिया, ठीक है। और 16 नंबर में पॉजिटिव तो हो गया। यहाँ पर सिर्फ जो चीज़ है वो है कि पुश बटन के जगह पे PNP एक ट्रांजिस्टर लगेगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पे दिखाया ये वाला। तो PNP ट्रांजिस्टर जो लगेगा उसका कलेक्टर जो होगा तो उसको 14 नंबर पिन के साथ लगाना है, और एमिटर में वोल्टेज देना है, इतना ही है। और बेस जो है वहाँ पर आउटपुट देना है जो टी शॉप का सिग्नल पिन होगा, ठीक है, वही आउटपुट होता है, तो उसको हम दे देंगे यहाँ पे ग्राउंड टी शॉप का। और टी शॉप में एक चीज़ ध्यान रखिए, 5 वोल्ट के ज़्यादा वहाँ पे देना नहीं है, ठीक है, नहीं तो टी शॉप जल जाएगा। आप अगर सर्किट में 12 वोल्ट भी देते हो तब भी 5 वोल्ट टी शॉप में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था अपना पार्ट 2 का सर्किट, और ये पार्ट 1 का जो सर्किट है यहाँ पे आप देख सकते हो पुश बटन था जहाँ पर, उसी जगह पे मैं PNP ट्रांजिस्टर यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो इतना ही चेंज है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं बल्ब को भी लगा लिया हूँ, आप देख सकते हो। तो अभी इसको मैं टेस्ट करूँगा,
तो ये जो बोर्ड है एक्सटेंशन बोर्ड, इसमें मैं बल्ब को लगाऊंगा। देखिए तो ये मैं अंधेरा में कर रहा हूँ, क्योंकि अंधेरा थोड़ा सा मैं कुछ लाइट्स मैं ऑफ कर लिया हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं थोड़ा लाइट जला के भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ठीक ठाक। ओके तो अभी मैं इसको लाइट्स ऑफ करके मैं बल्ब को जलाऊंगा। देखिए तो रिमोट को यहाँ पे मैं रख दिया। अभी नॉर्मल मैं इसमें स्विच को ऑफ किया तो थोड़ा टाइम यहाँ पे लेगा ऑफ होने में, ठीक है। और जितना बार आप ऑन करोगे उतना बार एक कलर चेंज करते जाएगा, ठीक है। अभी ये टाइम ले रहा है क्यों ऑफ होने में, उसमें कैपेसिटर है इसीलिए थोड़ा सा चार्ज वो ले रहा है, ठीक है। और अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। देखिए ये ऑफ हो गया, थोड़ा ये ऑफ हो गया। अभी इसमें ये ऑन किया तो ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। और ये रिमोट से भी ये काम करेगा। देखिए ये रिमोट से मैं काम कर रहा हूँ तो ये भी कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को घर पे बना सकते हो। बहुत ही आसान सा सर्किट है। अगर आप पार्ट वन को देख लोगे तब जाके आपको लगेगा कि आसान सर्किट है, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और यहाँ पे मैं वीडियो को कंप्लीट भी कर रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल में अगर आप नए हो और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मैं मिलूँगा नेक्स्ट कोई अच्छा अच्छा टॉपिक लेके नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, स्टे क्रिएटिव, थैंक यू।